हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं एज एज अ डेवलपर, बिजनेस कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। आज मैं आपको एक्सेल में इंसर्ट टैब के टेबल ब्लॉक के बारे में बताऊंगा। हाँ, सिर्फ टेबल ब्लॉक के बारे में, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो होम टैब के बारे में जो बताया था उसमें सभी ब्लॉक एक साथ बता दिए थे, जिसके कारण वीडियो बहुत लंबी हो गई थी। इसीलिए मैं हर ब्लॉक के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। इसीलिए मैं अब से पर्टिकुलर हर एक ब्लॉक के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, जिससे आपको हर ब्लॉक के बारे में अच्छे से समझ में आएगा। टेबल ब्लॉक में पाइवट टेबल, रिकमेंडेड पाइवट टेबल और टेबल दे रखे हैं, जिसे मैं प्रैक्टिकली समझाता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है टेबल ब्लॉक, उसमें सबसे पहला आता है पाइवट टेबल। पाइवट टेबल को क्रिएट करने से पहले आपको उस टेबल के किसी भी एक सेल को सेलेक्ट करना होगा, जिस टेबल को आप पाइवट टेबल में ले जाना चाहते हैं। जब आप टेबल के किसी एक सेल को सेलेक्ट कर पाइवट टेबल को क्रिएट करते हैं, तो ये पूरी टेबल रेंज को ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेता है। टेबल रेंज सेलेक्ट होने के बाद सिंपली यहां ओके बटन पर क्लिक कर दें। अब आप देख सकते हैं एक नई वर्कशीट में ये पाइवट टेबल क्रिएट हो चुकी है। पाइवट टेबल क्रिएट होने के बाद आप यहां देख सकते हैं जिस टेबल रेंज को आपने सेलेक्ट किया था उसके तीनों कॉलम हेड यहां आ चुके हैं, स्टूडेंट नेम, क्लास और फीस। देखो, अब मुझे स्टूडेंट नेम और फीस की एक लिस्ट बनानी है, तो सिंपली मैं यहाँ पर स्टूडेंट नेम पर जैसे ही क्लिक करूंगा सारे स्टूडेंट के नाम यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद जैसे ही फीस पर क्लिक करूंगा तो देखो स्टूडेंट नेम और उनके फीस की एक लिस्ट यहाँ पर जनरेट हो गई। उसके बाद देखो हमें पता नहीं चल रहा कि कौन सा स्टूडेंट किस क्लास में है, तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लास पर क्लिक कर देंगे तो ये बता देगा कि कौन सा स्टूडेंट किस क्लास में है। अब क्लास वाइज स्टूडेंट को सेलेक्ट करने के लिए पहले इन तीनों चेकबॉक्स को अनसेलेक्ट कर दें। अनसेलेक्ट करने के बाद पहले आप क्लास को सेलेक्ट करें, उसके बाद स्टूडेंट नेम को। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि किस क्लास में कौन से स्टूडेंट हैं। और इसके साथ ही आप क्लास वाइज फीस देखना चाहते हैं तो यहाँ फीस पर क्लिक कर देख सकते हैं। देखो, पाइवट टेबल का एक फायदा ये भी है कि ओरिजिनल टेबल में बिना कुछ चेंजेस किए इस टेबल को मैनेज कर सकते हैं। देखो, बहुत से जनों को ये भी प्रॉब्लम आती है कि यहाँ पर साइड बार नहीं दिख रहा होता है, तो जैसे ही आप टेबल पर सेलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि साइड बार आ चुका है। तो इस तरीके से बहुत से जनों को प्रॉब्लम हो रही है, तो इसका सॉल्यूशन यही है कि आप टेबल पर सेलेक्ट कर रखें। देखो, जब आप ओरिजिनल टेबल में यहाँ पर जैसे ब्रिजेश पटेल है उसमें आपने जो अमाउंट है जैसे ही चेंज किया, तो आप यहाँ पर जैसे ही देखेंगे ब्रिजेश पटेल का तो वो अमाउंट चेंज नहीं हुआ है। तो उसको देखने के लिए आप एनालाइज में जाइए, उसके बाद यहाँ पर रिफ्रेश बटन पर रिफ्रेश ऑल पर क्लिक कर दीजिए, तो आप देख सकते हैं वो 9000 था वो 4000 चेंज हो चुका है। तो इस प्रकार जो भी आप ओरिजिनल टेबल में चेंज करेंगे तो आपको रिफ्रेश में जाके रिफ्रेश ऑल बटन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद देखो इन चार ऑप्शंस का भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लास वाइज फिल्टर करना चाहता हूँ तो इस क्लास को ड्रैग कर यहाँ पर ड्रॉप कर दूंगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये क्लास वाइज शॉर्टिंग का एक ऑप्शन भी ओपन हो गया। जैसे मैं यहाँ पर सेकेंड स्टैंडर्ड को ओके करूंगा तो ये सेकेंड क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं और उनकी फीस है वो यहाँ पर आ जाएगी। अब देखो एक ऑप्शन और है कि यदि मुझे इन स्टूडेंट की जो फीस है वो उनके नाम के नीचे ही चाहिए, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा वैल्यू में और यहाँ पर जो सम ऑफ फीस है उसे ड्रैग कर यहाँ रॉ में ड्रॉप कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं उन स्टूडेंट नेम के नीचे ही उनकी फीस आ चुकी है। देखो, मैंने आपको क्लास वाइज स्टूडेंट को फिल्टर करना बताया था, अब मैं एक और ऑप्शन बता रहा हूँ, इंसर्ट स्लाइसर कर। जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लास में जाके क्लिक कर ओके बटन पर क्लिक करेंगे, देखो आपको यहाँ पर ये सारे बटन दिख रहे होंगे, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास। जैसे ही आप फर्स्ट क्लास पर क्लिक करेंगे देखो ये फर्स्ट क्लास के हिसाब से ये स्टूडेंट को फिल्टर कर देगा। जैसे आप सेकेंड क्लास को करेंगे तो सेकेंड क्लास के हिसाब से, और यदि मल्टीपल करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कर आप जो सेलेक्ट करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करें, तो ये मल्टीपल क्लासेस को भी फिल्टर करके देगा। अगला है रिकमेंडेड पाइवट टेबल। इसे जैसे ही आप क्लिक करेंगे इसमें जो भी टेबल आप देख रहे हैं उसे रिकमेंडेड कर सकते हैं। और लास्ट है टेबल, इसमें जो बॉक्स है उसमें यहाँ पर टेबल की रेंज सेलेक्ट करने के लिए होता है और यहाँ पर उस टेबल का जो हेडर है उसे सेलेक्ट करने के लिए होता है। यदि आपके टेबल में यदि हेडर नहीं होता है तो इसे अनसेलेक्ट कर दें और ओके बटन पर क्लिक कर दें। इसे मैंने डिटेल में अपने पिछली वीडियो में बताया है। ये बिगनर लेवल है, इसीलिए मैंने पाइवट टेबल के बारे में सिर्फ इतना सा बताया ताकि आपको समझ में आ जाए कि पाइवट टेबल का यूज क्या है।
अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ताकि हमें पता चलेगा कि आप किस स्तर से इस वीडियो को देख रहे हैं। सब जानते हैं ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसीलिए आप भी इस वीडियो को शेयर करें उन लोगों को जो एक्सेल सीखना चाहते हैं। मेरी ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।